प्रियंका वाड्रा को वायनाड से टिकट देकर कांग्रेस को लगता है कि उसने अपनी आसान जीत पक्की कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी प्रियंका वाड्रा की जीत आसान नहीं होने देना चाहती। जिस तरह से राहुल गांधी ने आसानी से वायनाड की सीट दो बार जीत ली और अब उसे अपनी बहन को संसद में सेफ एंट्री के लिए खाली कर दिया, लेकिन केरल में कांग्रेस की विरोधी कम्युनिस्ट पार्टियों और बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि वायनाड गांधी परिवार की सीट बनकर रह जाए, इसलिए मुकाबला तो कड़ा होगा ही। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी अपने किस नेता को वायनाड से उतारती है। जानकारों का कहना है कि बीजेपी वायनाड से स्मृति ईरानी को मैदान में उतार सकती है। स्मृति ईरानी भले ही अमेठी से इस बार चुनाव हार गई, लेकिन राहुल गांधी को अमेठी से वायनाड जाने के लिए उन्होंने ही मजबूर किया था, और अगर पार्टी उन्हें वायनाड से टिकट देती है तो ये उपचुनाव राष्ट्रीय फलक पर छा जाएगा। इसका लाभ बीजेपी को केरल में काफी मिलेगा। हालांकि गांधी परिवार का साउथ से पुराना रिश्ता रहा है। इंदिरा गांधी 1978 का उपचुनाव कर्नाटक के चिकमगलूर से जीती थीं। इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के मेडक सीट से जीत हासिल की। 1999 में सोनिया गांधी ने भी अपना राजनीतिक करियर दक्षिण से शुरू किया। वे 1999 में अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ी थीं, दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में बेल्लारी सीट उन्होंने छोड़ दी। वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने के फैसले के बाद सोशल मीडिया समेत राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस सीट से बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी? चर्चा ये भी है कि बीजेपी तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी को वायनाड सीट से उतार सकती है। भले ही स्मृति ईरानी इस बार अमेठी से केएल शर्मा के सामने लोकसभा चुनाव हार गई हों, लेकिन 2019 में वे कांग्रेस के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हरा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें इस सीट से उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। बीजेपी टिकटों को लेकर पहले भी चौंकाने का फैसला कर चुकी है। 1999 में जब सोनिया गांधी के बेल्लारी से डेब्यू करने की बात सामने आई, तब बीजेपी ने इस सीट से सुषमा स्वराज को टिकट देकर चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। सुषमा ने इस सीट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि वे इस चुनाव को हार गई थीं। सोनिया गांधी को 414,000 वोट मिले थे, जबकि सुषमा स्वराज ने 3.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। सोनिया गांधी इस चुनाव में करीब 56,000 वोटों से चुनाव जीत गई थी। वायनाड से स्मृति ईरानी के मैदान में उतरने से मुकाबला कांटे का हो जाएगा, इतना तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।